नमस्कार दोस्तों, 4 अगस्त 2017 करंट अफेयर सेक्शन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकें। धन्यवाद। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। जो पहला अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए USISPF का गठन हुआ है। ये USISPF क्या है दोस्तों, इसका जान लेते हैं। अमेरिका भारत सामरिक भागीदारी फोरम, ये इसकी फुल फॉर्म है। US अमेरिका और आई इंडिया, उसके अलावा सामरिक भागीदारी फोरम, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा इसमें जो इसका जो उद्देश्य है स्थापित करने का, वो क्या है कि आर्थिक विकास, नए रोजगार सृजन करना, कोई नवाचार है, समावेश या उद्यमशीलता को चलाने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये काम करेगा। इसके अध्यक्ष हैं वो मुकेश अघी को बनाए गए हैं। उसके अलावा हम जान लेते हैं अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दोस्तों, अगला अपडेट जो आ रहा है वो सिडबी की तरफ से आ रहा है। सिडबी के आज नए अध्यक्ष और CMD घोषित किए गए हैं। तो अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाए गए हैं। और सिडबी की फुल फॉर्म अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा हम सिडबी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, और इसकी मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। तो ये सिडबी के बारे में थोड़ा सा था ब्रीफ में। मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, इनको अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक आज बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली अपडेट ये है कि सरकार ने वाराणसी में IRRI के जो क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए आज MOU हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि IRRI क्या है और ये क्षेत्रीय केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ये IRRI है, ये चावल है उसके ऊपर ये काम करता है। तो IRRI की फुल फॉर्म जान लेते हैं, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये राइस से संबंधित रिसर्च करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस में। और 1960 के दशक में जो हरित क्रांति में योगदान देने वाली जो चावल की किस्मों के लिए विकास के लिए ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है IRRI। तो ये हरित क्रांति में इसने योगदान दिया था चावल के जो उन्नत किस्म है उसके विकास के लिए। तो इसने अपना दे इसका कार्यालय, IRRI का जो कार्यालय है वो 17 देशों के अंतर्गत है। तो यहाँ भी एक क्षेत्रीय कार्यालय जो इंडिया के अंतर्गत इन्होंने खोलने की ठानी है, वो कहाँ पर खोला है इन्होंने, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है ये वाराणसी में, NSRTC। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो खोलने की ठानी है। तो आइए चलते हैं, ये MOA है, ये किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था दक्षिण एशिया के जो महानिदेशक हैं IRRI के, मैथ्यू मोरेले, और कृषि सचिव हैं शोभना के पटनायक, उनके बीच में ये MOA हस्ताक्षर हुआ है। और अपने जो वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो राधा मोहन सिंह हैं। उसके अलावा अब फिलीपींस की जब बात आ गई है, तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो मेनिला है। उसके अलावा जो फिलीपींस की मुद्रा है वो पेसो है, और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो रोड्रिगो डुटेरेट हैं। ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म अपने को याद रखने के लायक है, और अगर ये भी नहीं रखो तो ये अपने को याद रखने वाली है। और ये जो सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर है ये वाराणसी में है, और इसका एक IRRI का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खुला है वो वाराणसी में खुला है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि भारत के अंदर उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए आज 4 अगस्त 2017 को जापान भारत समन्वय फोरम, यानी JICF, ठीक है, जापान भारत समन्वय फोरम की पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो अपने को ये स्थान ध्यान में रखना है, और ये किसके लिए है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए ये चीज़ें की गई है। और उस विकास में क्या क्या शामिल होगा वो जान लेते हैं। कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क विकास, विशेषकर अंतर्राज्यीय जो सड़कें हैं और जिला सड़कें हैं,
आपदा प्रबंधन जैसी समस्या, जैविक खेती जैसी समस्या और पर्यटन आदि पर चर्चा की गई। और इस पहली बैठक में तो अपने को यहाँ ध्यान रखना है, जापान भारत के बीच में एक MOU है, ये समन्वय फोरम स्थापित हुआ है और नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक। तो आइए चलते हैं, जापान के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। जापान की जो मुद्रा है वो येन है और जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। ठीक है, जापान के जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे। ये शिंजो आबे प्रधानमंत्री हैं, मुद्रा येन है, येन का ये चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है ध्यान रखें। उसके अलावा कैपिटल है वो टोक्यो है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर दोस्तों। जो अगली अपडेट है वो ये है, आदि परोक्कू त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये त्यौहार मनाया गया है। आदि परोक्कू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आदि परोक्कू को तमिल महीने आदि के जन्म के लिए मनाया जाता है। ये त्यौहार मौसम के दौरान सभी त्यौहारों की शुरुआत मानी जाती है और ये त्यौहार है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित मेट्टूर और पुलमपट्टी आदि शहरों में उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसके आदि के जो 18वें दिन है आदि पेरू का मनाया जाता है। इसके अलावा हम जान लेते हैं ये मेट्टूर नाम आया है तो भारत के अंदर मेट्टूर बांध है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है कावेरी नदी पर। तो ये था अपडेट, आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, नेमार हैं, नेमार नाम का है, नेमार हैं वो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। और ये नेमार कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। तो ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है और ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं ब्राज़ील के बारे में कुछ और फैक्ट्स। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है और करेंसी है, मुद्रा है इसकी रियल है। उसके अलावा प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, राष्ट्रपति हैं माइकल टीमर। तो ये था दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील का नेमार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर दोस्तों। अगली खबर जो आ रही है वो NCLT की तरफ से आ रही है। NCLT क्या है? ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून ये है इसकी फुल फॉर्म। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है। और इसने क्या किया है, एयरटेल और टेलीनोर ये कंपनियां हैं दोनों, और एयरटेल और टेलीनोर की विलय को मंजूरी दे दी है। तो आइए जान लेते हैं, जो एयरटेल के जो अभी अध्यक्ष हैं और CMD हैं वो जान लेते हैं अपन। तो इसके हैं सुनील भारती मित्तल। आज से ये कंपनियों का विलय हो गया है, एयरटेल के अंदर टेलीनोर कंपनी का विलय हो गया है। अब ये कई जगह जो भारत के कई स्टेट हैं वहाँ पर ये काम करेगी। तो NCLT ने ये मंजूरी दी है। तो अपने को ये विलय याद रखना है कि एयरटेल में अभी किसका विलय किया गया है। तो अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपने को इसके लिए अवेयर रहना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर दोस्तों। अगला जो अपडेट निकल रहा है वो क्रिकेट से निकल कर आ रहा है। आप सब इसको जानते हो, हरमनप्रीत कौर है। इसने अभी जो अमूमन वर्ल्ड कप हुआ था अभी उसके फाइनल में इंडिया को पहुंचाया था। इसने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 बॉलों में 171 रन बनाए थे और इसने खूब वर्ल्ड कप के अंदर खूब अपनी भागीदारी निभाई थी। इसकी वजह से पंजाब सरकार ने खुश होकर इसको DSP पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, हरमनप्रीत कौर। उसके अलावा इसने ये वर्ल्ड कप में फाइनल में जाने के पीछे इसका ही हाथ है। उसके अलावा अपने को याद रखना है, पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं जाने तो मुख्यमंत्री जान लेते हैं, कप्तान अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उसके अलावा राज्यपाल हैं वहाँ के VP सिंह बदनौर। तो ये थी हरमनप्रीत के बारे में, कौर के बारे में अपडेट। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो ये है, IRCTC की तरफ से निकल कर आ रहा है। उन्होंने तत्काल टिकट के लिए एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है बुक नाउ पे लेटर, ठीक है, यानी पहले बुक कर दो बाद में पे कर देना। इस प्रकार की स्कीम लॉन्च की है इन्होंने तत्काल टिकट के लिए। तो अब रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उसके बारे में जान लेते हैं। रेल मंत्री हैं अभी सुरेश प्रभु और जो IRCTC है इसके जो अध्यक्ष और CMD पद पर हैं वो हैं AK मानोजा। तो दोस्तों ये था 4 अगस्त 2017 का आज कुछ ताज़ा तरीन अपडेट। तब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सब्बा खैर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।
और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।